और बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति चुनाव से पहले सरकार की डिनर डिप्लोमेसी। बीजेपी और जेजेपी विधायकों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। हरियाणा निवास में डिनर का आयोजन हो रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। डिनर में सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे हैं। इसके अलावा सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी डिनर में शामिल है। कल राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और उससे पहले किस तरीके से वोटिंग की जाए इस पर रणनीति बनाई जाएगी। और इसलिए देखिए, चुनाव से पहले डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन, बीजेपी और जेजेपी विधायकों के लिए रात्रि भोज का आयोजन है। हरियाणा निवास में डिनर का आयोजन हो रहा है और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अभी जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल है डिनर में, तो कल किस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है इसे लेकर रणनीति बनाई जाए। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, राष्ट्रपति चुनाव से पहले सरकार की डिनर डिप्लोमेसी। बीजेपी और जेजेपी विधायकों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम सत्ता पक्ष के विधायक मौजूद हैं और पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक जो है उनके भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। कल राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा और डिनर में वोटिंग की रणनीति पर चर्चा होनी है, विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि एक एक वोट काफी कीमती है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद लगातार जो है यहाँ पर, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विपक्ष की तरह राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, ऐसे में ये चुनाव जो है काफी अहम हो जाता है, ऐसे में देखना। चलिए, हमारे संवाददाता रवि कालीरमण लाइव जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। रवि, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं डिनर में? बिल्कुल पुनीता, अगर विधायकों का बात की जाए तो तमाम विधायक, सत्ता पक्ष के तमाम विधायक, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और वो निर्दलीय विधायक जो कहीं ना कहीं सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तमाम विधायक जो है डिनर में पहुंच चुके हैं। ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये डिनर जो है हरियाणा निवास में रखा गया था और तमाम विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं इस डिनर डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए तो पुनीता, कल जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है उसमें रणनीति बनाई जाएगी, तमाम विधायकों को बताया जाएगा किस प्रकार से आपको वोटिंग करनी है, कहीं किसी प्रकार से कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, उसके लिए तमाम विधायकों को यहाँ समझाया जाएगा। कल सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक जो है वोटिंग जारी रहेगी। और कहीं ना कहीं इस वोटिंग की अगर बात की जाए तो हरियाणा के 90 विधायक जो है वोट पोल करेंगे, जिनमें से 89 विधायक हरियाणा विधानसभा में वोट डालेंगे जो चंडीगढ़ में है, और कहीं ना कहीं एक विधायक संसद में वोट डालेंगे, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दिल्ली में अपना वोट डालेंगे, बाकी 89 जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ में वोट डालेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए पक्ष के उम्मीदवार है और यशवंत सिन्हा जो है यूपीए पक्ष के उम्मीदवार। द्रौपदी मुर्मू का जो कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से उनको उतारा गया है मैदान में, एक आदिवासी महिला के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया है, तमाम जो चीजें दिखाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे जो एक जिसको कह सकते हैं मजबूत स्थिति में द्रौपदी मुर्मू नजर आती है, क्योंकि नंबर्स का गेम है पुनीता, सारा नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस भरोसे आस लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो है क्रॉस वोटिंग करें और उनको फायदा हो, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं नजर आता, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सांसद हैं वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आज की डिनर डिप्लोमेसी, तो डिनर डिप्लोमेसी में सिर्फ इतना ही है कि तमाम विधायकों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आप किस प्रकार से वोटिंग करेंगे, किस हिसाब से आपको वोट करना है, किस हिसाब से आपको उस पर मार्क करना है, जो बैलेट पेपर आपको मिलेगा, तमाम चीजें उसमें समझाई जाएंगी, किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, ये तमाम विधायकों को आज बताया जाएगा। जी, तो रवि, कह सकते हैं कि जो डिनर डिप्लोमेसी है वो सक्सेस होती हुई नजर आ रही है?
बिल्कुल पुनीता, देखिए कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर बात की जाए, नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त है, चाहे सांसदों की बात की जाए या फिर विधायकों की बात की जाए, तमाम ज्यादा से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों की सरकार है, तो ऐसे में नंबर्स भी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का जिक्र आता है, द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल सेफ जोन में नजर आ रही है। यूपीए के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो तमाम एजेंसियां हैं उनका डर दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों को डराने का काम करती है। और ऐसे में जिस दिन वो यशवंत सिन्हा शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की, वो दावा करते हैं कि अगले दिन से ही तमाम जो एजेंसियों का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनको वो बंद करवा देंगे, ऐसा कहना है यशवंत सिन्हा का। तो कहीं ना कहीं अब बात आती है पुनीता, जो चुनाव है, चुनाव की अगर बात की जाए तो सुबह 10 बजे चुनाव शुरू हो जाएगा। हरियाणा अगर बात की जाए, हरियाणा विधानसभा की अगर बात करूं तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और इसके साथ साथ अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। अगर पुनीता अगर बात की जाए, एक उम्मीदवार जो है तीन अपने पोलिंग एजेंट बना सकता है, जो इलेक्शन है राज्यसभा, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव का जो इलेक्शन होना है हरियाणा विधानसभा में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पोलिंग होगी उसमें एक कैंडिडेट अपने तीन पोलिंग एजेंट्स वो बना सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो अगर यशवंत सिन्हा की बात की जाए, तो यशवंत सिन्हा ने दो अपने पोलिंग एजेंट बनाए हैं, मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी और मंडी डबवाले से कांग्रेस विधायक अमित सियाग यशवंत सिन्हा के जो है पोलिंग एजेंट होंगे। और द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी तक किसी को पोलिंग एजेंट नहीं बनाया गया, लेकिन चुनाव से एक घंटे पहले तक ये पोलिंग एजेंट बनाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, कल 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। देखना होगा कि हरियाणा के तमाम जो विधायक हैं वो किसके पक्ष में वोट डालते हैं और कितने वोट जो हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो ये आस लगाए बैठे हैं कि अंतरात्मा के तहत कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या फिर उनके समर्थित दलों के विधायक हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और सबकी नजरें अब कल पर टिकी हुई है। रवि, ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। देखिए, अगर हरियाणा की बात की जाए तो पुनीता, कांग्रेस ऐसी एक इकलौती पार्टी है जो कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवार को जो है, माफ कीजिएगा, उस यूपीए के उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक एनडीए के उम्मीदवार को जो है समर्थन दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक दे चुके हैं, इसके साथ साथ निर्दलीय विधायक हैं। और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक हैं वो अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे चुके हैं। ये तमाम विधायक हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने वाले हैं। और कांग्रेस की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा को तमाम जो उनके 31 जो दिल्ली में अपना वोट डालेंगे, सबसे अलग जो है 89 विधायक हरियाणा के विधानसभा में चंडीगढ़ में वोट डालेंगे और एक विधायक के बीच में जो अपना वोट दिल्ली कास्ट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है एनडीए के उम्मीदवार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और रवि देखिए, अब डिनर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक हैं, कौन कौन से विधायक जो हैं अभी इस डिनर में मौजूद हैं? देखिए, एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन तमाम जो विधायक हैं, 6 विधायक ऐसे जो कहीं ना कहीं संपर्क में हैं और लगातार सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और वो तमाम संपर्क में हैं और लगातार सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और वो तमाम वो 6 के 6 विधायक इस डिनर में बताए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया को डिनर से थोड़ा सा दूर रखा गया है, तो हालांकि एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कौन कौन अभी पहुंचा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अंदर जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 के 6 निर्दलीय जो विधायक हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विधायकों को डिनर पे बुलाया गया था, ज्यादा से ज्यादा विधायक यहां पहुंच चुके हैं। 6 विधायक हैं जो कहीं कहीं लेट हैं या फिर वो आज किसी कारणवश नहीं आ सकते, लेकिन तमाम जो अगर वोटिंग की बात की जाए तो पुनीता, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के सहयोगी विधायक हैं, तमाम विधायक जो हैं एनडीए के उम्मीदवार को वोट पोल करने वाले हैं। बिल्कुल, और रवि देखिए, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अगर आंकड़ों का खेल समझे तो जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके समर्थन में ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर
एक भी वोट इधर से उधर होता है तो किस तरीके से नुकसान होगा, किस तरीके से फायदा होगा, ये नंबर का गेम भी समझना चाहेंगे रवि। बिल्कुल पुनीता, देखिए कहीं ना कहीं ये नंबर का गेम है, ये बड़ा पेचीदा गेम है। जिस प्रकार से आपने राज्यसभा चुनाव में देखा किस प्रकार से पावर्स का होता है, कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट ओपिनियन, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा जो आंकड़े हैं मल्टीप्लाई भाग गुणा करके जो रिजल्ट आता है वो लास्ट में आता है। और अगर सीधी सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो विधायकों की अगर बात की जाए तो हरियाणा के 89 विधायक जो हैं चंडीगढ़ में पोल करेंगे और एक विधायक दिल्ली में वोट अपना पोल करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के विधायकों की बात की जाए तो ज्यादातर जो सरकार को समर्थन जो जिन विधायकों ने दे रखा है तमाम विधायक एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की ना अनुकर कोई इफ बट नहीं नजर आता, क्योंकि तमाम विधायक सरकार के सहयोगी हैं। उनको पता है कि 2.5 साल तक और सरकार जो है हरियाणा में राज करेगी, तो इस प्रकार कोई भी ऐसा विधायक नहीं नजर आता जो निर्दलीय की खासकर बात की जाती है, क्योंकि निर्दलीय कहीं भी वोट डाल सकता है ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है। ज्यादा जो विपक्षी लोग होते हैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने साथ लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता हरियाणा के तमाम जो विधायक हैं जो सरकार का समर्थन कर रखा है निर्दलीय विधायक, वो कहीं और जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का नुकसान की बात यहाँ होती हुई भारतीय जनता पार्टी को कम से कम हरियाणा से नहीं नजर आती। और पूरा जो नंबर गेम है ये कैसे बैठेगा, कैसे फिट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ कल के चुनाव के लिए यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हरियाणा कितनी तैयारी कर चुका है, क्या क्या तैयारियां अब तक? बिल्कुल पुनीता, अगर तैयारियों की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा में इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है और तमाम विधायक वहां पहुंचेंगे। उसके लिए सुरक्षा के पूरे पुख्ते इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। तमाम सिक्योरिटी जो है किसी प्रकार का जो लैप्स है वो नजर नहीं आएगा आपको। तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम अच्छे लेवल के पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, तमाम जो लोग हैं वहां मौजूद मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जिस प्रकार से तमाम जो वोटिंग की प्रक्रिया होनी है किस प्रकार से होनी है, तो 10 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले तमाम जो सामग्री जो है वोटिंग की सामग्री आती है केंद्र की द्वारा भेजी जाती है, तो वो हरियाणा विधानसभा तमाम सामग्री पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं वो सुरक्षा के अंदर तमाम सामग्री रखी गई है। कल जैसे ही वोटिंग शुरू होगी तो तमाम लोगों को वहां बुलाया जाएगा जिनकी ड्यूटी है, ड्यूटी के अलावा जो भी लोग होंगे उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खासतौर पर अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया के लिए भी इसके लिए अलग से पास बनाए जाएंगे, वो पास होने के साथ साथ ही वो अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी है। 89 विधायक विधानसभा में वोट डालेंगे और एक विधायक दिल्ली वोट डालने वाला है। ये हरियाणा का जो कल के वोटिंग का है, कुलदीप बिश्नोई है वो दिल्ली वोट डालेंगे और बाकी के 89 विधायक 89 विधायक हरियाणा विधानसभा में वोट डालेंगे, और जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली है पुनीता। और रवि, अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तो देखिए बीजेपी और जेजेपी डिनर डिप्लोमेसी के तहत लगातार विधायकों को वोटिंग की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा आज हो रही है। इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से किस तरीके से रणनीति बनाई गई है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी सामने आ पा रही है? बिल्कुल पुनीता, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा कुछ दिन पहले चंडीगढ़ आए थे, उससे पहले तमाम विधायकों की विधायक दल की बैठक हुई, कांग्रेस के विधायक इकट्ठा हुए और तमाम विधायकों से यशवंत सिन्हा ने वोटों की अपील की थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें बताई गई। यशवंत सिन्हा ने सरकार पर जो है आरोप लगाते हुए ये तक कहा कि ये सरकार जो है एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और किसी भी बड़े इंसान को, किसी भी प्रभावशाली इंसान को दबाने का प्रयास इन एजेंसियों के द्वारा करवाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी अगर बात की जाए कि उनकी कैसी तैयारियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सिर्फ एक बैठक हुई है। बैठक में तमाम विधायकों से यशवंत सिन्हा ने अपील की है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो दिए जाए, आप लोग देने का काम करें। और ऐसे में जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अगले दिन ही तमाम एजेंसियों की जिन जो आरोप लगा रहे थे यशवंत सिन्हा, उन एजेंसियों का दुरुपयोग करना वो बंद करा देंगे, ऐसी बात उनकी तरफ से की गई थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि तमाम जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम से डरा हुआ है, मुस्लिम हिंदू से डरा हुआ है और दोनों लोग एजेंसियों से डरे हुए हैं। इस प्रकार के आरोप जो है यशवंत सिन्हा ने लगाए थे। तो कहीं ना कहीं बात की जाए हरियाणा के तमाम विधायकों की, तो हरियाणा के विधायकों की अगर बात की जाए तो पुनीता
ज्यादा नंबर्स जो हैं हरियाणा में एनडीए के पास हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनके पास हैं, तमाम छह से ज्यादा जो निर्दलीय विधायक ऐसे में उनके साथ हैं, और हालोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा जो है वो सरकार के साथ लगातार साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को ही जाएगा और जाता है, कहीं ना कहीं वो भी सरकार के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। तो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार को समर्थन दे रखा है, तमाम विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालते हुए